आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से लॉकडाउन के दौरान परेशान गरीब आवाम की खिदमत और उनके ज़रूरती सामान को इंसानियत के नाते तकसीम करने के लिए कहा। उसी को नज़र में रखकर AIMIM राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने लॉकडाउन से शुरू हर दिन 500 फैमिलीज़ को हल्का राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ मुकामात पर ज़रूरतमंदों के घर घर जाकर राशन तकसीम किया। साथ में आवाम की हिफाजत के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट के पिचकारी मारी गई। इसमें शामिल शास्त्रीपुरम डिवीजन कारपोरेटर मिसबाह दिन व दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी के साथ का आज राजेंद्र नगर असेंबली हलके के शास्त्रीपुरम डिवीजन के नूर कॉलोनी में, जो कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जो कि मुस्तहिक जो लोग है वो लोग के घर में पूरा अनाज पहुंचाया गया, जो कि उसमें हर चीज़ है, मसालों से लेके हल्दी मिर्ची अदरक लहसुन और दूध के पाकिट और तेल की पाकिट और चावल। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजेंद्र नगर असेंबली हलके में डेली हम एक सिस्टम के साथ इक्के एरिए में आवाम के लेकर जाके जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो अनाज जो मुस्तहिक लोगों के लिए जो दिया जा रहा है, उसमें मैं और हमारे कारपोरेटर साहब और तमाम यहाँ के एरिया के सदर मुतमदीन सईद भाई और उनके पूरे कमेटी के लोग मिलकर यहाँ पर तकरीबन 100 जनों के घर पर नूर कॉलोनी में पहुँचा गया, और जो कि सदर मोहतरम की मुझे हिदायत है कि घर पर लेकर जाकर देना, ये नहीं कि जैसा कि लाइन बनाकर बांट रहे कर रहे, तो उससे ये जो कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है कि पब्लिक में डिस्टेंस रहना बोल के, उस हिसाब से हम सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आवाम के घर पर लेके जाके पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी चल रहा है। तो मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि राजेंद्र नगर असेंबली हलके में एक सिस्टम के साथ हर कॉलोनी में हर एरिए में हर जैसा कि अत्तापुर डिवीज़न है, सुलेमान नगर डिवीज़न है, शास्त्रीपुरम डिवीज़न है, राजेंद्र नगर डिवीज़न है, हर जगह सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम जाकर बराबर जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पहुंचा रहे हैं और कंटिन्यू हम ये काम करते रहेंगे। एक ही दम एक ही साथ पूरों को नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम एक एक कॉलोनी में वन बाय वन कर रहे हैं। मैं भी इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साहब ने राजेंद्र नगर असेंबली हलके में कंटिन्यू जो इमदाद जो मुस्तहिक लोगों के लिए पहुँचा रहे हैं। मेरा भी फरीदा बनता है कि मैं भी सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करूं, और भी हम आपके चैनल के ज़रिए डेली हमारे प्रोग्राम जहाँ जहाँ हम बांट रहे हैं वो भी आपको मजलिस की तरफ से जहाँ जहाँ बांट रहे हैं वो भी आपको हम वक्तन फ़ोक्तन बोलते रहेंगे। और फिर से एक बार मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे राजनगर असेंबली हलके के जो हमारे कारपोरेटर जनाब मिसबाहुद्दीन साहब है, नवाजुद्दीन अहमद साहब है और सदर मुतमदीन हम, जो कि सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर 24 घंटे पब्लिक के दरमियान में रह के पब्लिक के मसाइल को भी हल करवा रहे हैं। जब कभी भी जहाँ कहीं से भी हमें फ़ोन आता है फौरी हम वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर, और फिर से एक बार मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितने फैमिलीज़ को दिए सपोर्ट? तकरीबन हम डेली जो बांट रहे हैं 500-600 पैकेट्स बांट रहे हैं, एकदम पूरा नहीं कर सकते बोल के, जो मुस्तहिक लोग हैं सदर मुतमदीन से हम लिस्ट मंगा रहे हैं, लिस्ट मंगा कर हम खुद उनके घर पे जाके पहुंचा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की तरफ से।